आज आपकी मैंने डिफरेंट पोनी की थी। अच्छा मम्मा मुझे जरा स्टोरी सुनाएंगी। सुनाएंगी स्टोरी? लेकिन कौन सी वाली? हैं? कौन सी वाली? आज एक नई स्टोरी सुनाऊंगी मैं ज़ाइना को। ठीक है। ज़ाइना हो जाएगी हैप्पी। मम्मा चले सुनाए। अच्छा जी। अच्छा आज एक स्टोरी सुनाने लगी हूँ मैं आपको। एक ना लड़का होता है, तो वो ना स्कूल पढ़ता है, तो स्कूल से ना कितने साल का होता है? 9 years old होगा या 10 years old होगा। अच्छा 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 तो वो ना स्कूल से ना आ रहा था अपने ध्यान में छुट्टी के बाद ना राम राम से राम राम से। तो ना जब छुट्टी के बाद वो आ रहा था ना, तो उसको ना आवाज आती है कहीं से। वो कहती है, वो कहता है ये आवाज कहाँ से आ रही है? इर्द गिर्द देखते हैं तो उसको ना एक दरख्त नजर आता है। जाए ना क्या नजर आता है? दरख्त। हाँ दरख्त नजर आता है। और वो जो दरख्त होता है ना वो बड़ा अजीबो गरीब सा होता है। कहते हैं ये आवाज़ तो यहाँ से आ रही है। दरख्त के पास जाता है तो ना दरख्त को आग लगा रहा होता है तो आवाज़ आती है मुझे अनलॉक करो, मैं आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जो आपने कहीं नहीं देखी होंगी। वो इतना हैरान होता है वाकई दरख्त बोल रहा है तो ना वो डर जाता है। कहते हैं मतलब हमने कभी देखा नहीं है ना दरख्त बोलते हैं। लेकिन वो ना डर जाता है, डर के ना वो हैरान परेशान हो जाता है कि यार ये दरख्त बोलता भी है कहीं, ये वो तो नहीं है कोई हाँप तो नहीं है। लेकिन दरख्त बार बार बोलता है मुझे अनलॉक करो, मुझे अनलॉक करो। इस तरह दरख्त ना बोल ही जाता है। अब ना वो उसका जब डर थोड़ा सा कम होता है तो वो सोचता है कि हो सकता है ये एक जादू हो जैसे हम देखते तो हैं ना। क्या उसके अंदर क्या होता है वो मैं बाद में बताती हूँ ना आपको। पहले दरख्त कहता है अनलॉक मतलब मुझे खोलो, मेरे अंदर आओगे तो मैं आपको बहुत सी चीजें दिखाऊंगा। तो वो बच्चा जो होता है ना वो कहता है मैं इसको कैसे खोलूं? तो हम देखते हैं ना जब हम कोई जादू की कोई वीडियो देखते हैं या जिसमें वो मैजिक अंकल कोई मैजिक करते हैं तो कैसे खोलते हैं एब्रा का डैब्रा ऐसे करके या बोलते हैं छू मंत्र खुल जा, तो वो इतनी चीजें ना उस दरख्त के सामने बोलता है लेकिन दरख्त नहीं खुलता। कभी करता है एब्रा का डैब्रा खुल जा, छू मंत्र खुल जा, गुस्से से भी बोलता है लेकिन वो नहीं खुलता। परेशान हो जाता बेचारा, कहता है अब मैं क्या करूं दरख्त तो खुल ही नहीं रहा। कहता है प्यारे दरख्त खुल जा, थक के वो ना ऐसे बोलता है प्यारे दरख्त खुल जा। दरख्त खुल जाता था ना वो इतना हैरान होता, कहता वाओ ये तो ग्रेट हो गया, अरे ये तो ग्रेट हो गया, ये तो दरख्त खुल गया। कहता है यार दरख्त मैंने इतनी चीजें बोली हैं वो नहीं आपने काम किया, लेकिन जो ही मैंने प्यार से बोला है कि एब्रा का डैब्रा, जो ही मैंने प्यार से बोला है कि प्यारे दरख्त खुल जा तो आप खुल गए हो। अब वो अंदर जाता है तो अंदर बड़ा ज्यादा ना अंधेरा होता, डर जाता है। पता दरख्त ने तो मुझे कहा था कि मेरे अंदर आओगे तो बड़ी ज्यादा इस तरह की चीजें मिलेंगी आपको, तो ये तो अंदर मुझे कुछ भी नहीं नजर आ रहा, अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। वो डरता भी है क्योंकि वो अकेला होता है ना, उसके साथ कोई भी नहीं ना होता, ना उसकी मामा को पता होता है, ना उसके बाबा को पता होता है, इवन कि उसके टीचर्स को और उसके फ्रेंड्स को भी नहीं पता होता। तो वो कहता है क्या? वो कहता है अब मैं ना क्या करूँ अकेला होता है। तो ना बड़ी कोशिश करता है कि कोई ना कोई चीज़ जो है ना मुझे मिल जाए यहाँ पे, लेकिन अंधेरा इतना होता है उसको कुछ बेचारे को नज़र ही नहीं आता। कहता अब क्या करना पड़ेगा, बार बार वो भी बोलता है वो जो वर्ड उसने आगे बोला होता ना कि प्यारे दरख्त खुल जा, ऐसे भी बोलता है कि शायद ये जो कीवर्ड है या पासवर्ड है इसकी वजह से ये दोबारा खुल जाए अंदर से रास्ता, लेकिन वो खुलता ही नहीं है। तो ना फिर बैठ के ना बेचारा सोचने लग जाता है कि क्या वर्ड होएगा।
सारे कीवर्ड दोबारा दोबारा बोलता लेकिन नहीं खुलता। कहता है चलो खुला नहीं है दरख्त, लेकिन मुझे इस दरख्त का शुक्रिया तो अदा करना चाहिए कि इसने मुझे अंदर आने दिया अपने मैजिक के ज़रिए से। और अंदर मैं दरख्त के अंदर आया, मैं अब अपनी दोस्तों को बताऊंगा कि मैं दरख्त के अंदर गया था। ये चीज़ें ना वो जहन में सोच रहा था। तो ना कहता है दरख्त, प्यारे दरख्त आपका बहुत शुक्रिया। अभी वो ये कहता है तो जाइना दरख्त के अंदर लाइट्स ऑन हो जाती हैं इतनी ज्यादा, जैसे मैजिक में होता है। वो बड़ा एक्साइटेड होता है, कहता है वाह ये तो मैजिक हो गया, मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं था ऐसा सोच सकता कि मेरे ड्रीम में भी ऐसा होगा, लेकिन ये तो रियल में ऐसा हो गया। इतनी ज्यादा लाइट्स ऑन हो जाती हैं, वो इतना हैप्पी होता है, इतना एक्साइटेड होता है। तो वहाँ चीजें नहीं उसको कोई नजर रखती। आती है ना, मैं बता रही हूँ। अंदर जाता है तो अंदर कमरे के अंदर ना एक छोटा सा कमरा बनाता है, उस कमरे के अंदर इतनी ज्यादा टॉयज होते हैं और इतनी ज्यादा चॉकलेट्स होती हैं, बिस्किट्स होते हैं, मतलब जो जो चीजें बच्चों को पसंद होती हैं ना, जो उसके फेवरेट टॉयज होते हैं, चॉकलेट्स होती हैं, वो सारी चीजें अंदर होती हैं। दरख्त ने झूठ नहीं बोला, दरख्त ने जो बोला ना कि मैं आपको अंदर, मेरे अंदर आओ, मैं आपको बड़ा मजा कराऊंगा, बड़ी आपको वहां पे आप एक्साइटेड हो गए। दरख्त तो कहने का यही मकसद था ना। स्क्रैच कर रही हूँ जरा। अच्छा तो कहता है प्यारे दरख्त आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी ज्यादा चीजें भी दी जो कि मैं एक ड्रीम में देख सकता था, रियल लाइफ में कभी नहीं था सोच सकता कि इस तरह की चीजें भी मुझे मिलेंगी। तो आपकी वजह से मुझे इतनी ज्यादा चीजें मिली। तो दरख्त का शुक्रिया अदा करता है, इतने ज़्यादा टाइज अपने साथ लेके आता है, और इतनी ज़्यादा वो जो होती हैं चॉकलेट्स। चॉकलेट्स, कैंडीज, इसके अलावा बिस्किट्स, जो जो चीज़ें उसको पसंद आती हैं ना, अपने दोस्तों के लिए, अपने मामा बाबा के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने टीचर्स के, तो उसके तो बच्चों के तो इतने छोटे छोटे हाथ होते हैं, तो वो किसमें डाल दिया जाता है। तो वहाँ पे शॉपिंग बैग भी तो पड़ा होगा ना, उसने उसमें डाल लिया होगा, ये भी तो है ना। तो वो इतनी ज्यादा चीजें इकट्ठी करके दरख्त का शुक्रिया अदा करता है, फिर से प्यारे दरख्त आपका बहुत शुक्रिया, और घर आ जाता है और अपने फ्रेंड्स के साथ सारी चीजें शेयर करता है जाइना। तो उसके फ्रेंड्स फिर उनको वो स्टोरी भी सुनाता है कि मैंने ऐसे ऐसे हुआ, मैंने देखा वहां पे, तो सारी स्टोरी। उसके दोस्त भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड तो हैं कि यार कभी हम भी आपके साथ होते। नहीं, तो आपने स्टोरी से क्या लेसन लर्न किया जाइना? मैंने ये लर्न किया कि सबका शुक्रिया अदा करना चाहिए, और हमें और वो नहीं पता। हमें इस स्टोरी से हमने ये लेसन लर्न किया कि हमें किसी से भी प्यार से बात करनी चाहिए। जब हम किसी से प्यार से बात करेंगे तो अगला बंदा जो है ना वो हैप्पी होता है, इवन कि उसको गुस्सा भी आया होता है ना, तो वो गुस्से में भी जो है ना वो हैप्पी हो जाता है। और इस तरह के जो छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं ना, जैसे थैंक यू, प्लीज, आई विल नॉट डू इट अगेन, के मैं इस तरह नहीं थैंक यू, दोबारा, सॉरी। हाँ सॉरी, इस तरह के वर्डिंग हम अगर हम गुस्से से करेंगे तो फिर अगला बंदा हर्ट भी होता है और फिर हमारी बात भी नहीं मानता। और देखा उसने ट्री के साथ कैसे बोला, ट्री को बोला कि प्यारे दरख्त, जब प्यार से बात की तो दरख्त खुल गया। उसने वैसे इतनी ज्यादा टैक्टिक्स यूज किए लेकिन दरख्त नहीं था खुला, जो ही उसने बोला प्यारे दरख्त तो दरख्त खुल गया। और जब दरख्त के अंदर गया, दरख्त के अंदर जो चीजें थी, जो सरप्राइज थे, वो उसके लिए नहीं थे ओपन हो रहे, तो उसने क्या कहा कि प्यारे दरख्त आपका बहुत शुक्रिया। जब शुक्रिया बोला, थैंक यू बोला, तो दरख्त हैप्पी हो गया। तो हमें अपनी लाइफ में इस तरह के छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं ना, वो जाना यूज़ करने चाहिए। जब हम किसी से चीज़ लें तो हम थैंक यू बोलें, जब हमसे कोई गलती हो जाए हम सॉरी करें, और जब हमसे मिस्टेक बार बार हो तो हम कोशिश करें कि हम अगले बंदे को कहें कि मैं ये दोबारा नहीं करूँगी। मम्मा जी,
ठीक है, इन मैजिक वर्ड्स के जरिए से ना हम लोगों के दिल जीत सकते हैं। आपको वो गुडरिये वाली स्टोरी याद है ना, जिसमें वो बार बार झूठ बोलता था और लोग उस पर बिलीव नहीं थे करते? हाँ, उसी तरह की अब मैं स्टोरी आपको सुनाने लगी हूँ। अच्छा, मम्मी को झूठ वाली, झूठ से रेलिवेंट स्टोरी सुनाने लगी मैं, ठीक है? हाँ। गुडरिये वाली सुनाऊँ कि दूसरी वाली? नई वाली, नई वाली। अच्छा अच्छा जी, एक ना हमारे बड़े अच्छे वो हैं, मतलब सूफी है, सूफी कह लें उनको, या बड़े अजीम इंसान हैं। सूफी किसको कहते हैं? सूफी बोलते हैं जो मतलब जो इस्लामिक बातें, अल्लाह को प्यारे जो लोग, हाँ अल्लाह को जो प्यारे, जो अल्लाह ताला की बातों को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, इस्लाम को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, ला इलाहा बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उनका नाम था अब्दुल कादर जिलानी। अब्दुल कादर जिलानी, अब्दुल कादर जिलानी। तो वो बहुत छोटे से थे, तो ना उनके बाबा की ना हो जाती है, उनके बाबा नहीं होते, मामा होती हैं, लेकिन मामा जो होती हैं ना वो उनको कहती हैं कि बेटा अब्दुल कादर जिलानी, आपने कभी भी झूठ नहीं बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप पे मुसीबत भी आ जाए ना, आपने झूठ नहीं मेरे बेटे बोलना। झूठ बोलने से ना इंसान जो है ना दूसरों की नज़रों में गिर जाता, फिर कोई उस पर बिलीव नहीं करता, तो आपने हमेशा सच बोलना, चाहे आपके ऊपर पहाड़ क्यों ना आ गिरे। अच्छा, कहते हैं अच्छा ठीक है। तो ना वो कहते हैं कि मेरे बेटे, मैं आपको दूसरे शहर में भेजने लगी हूँ, तो मैं ना आपके जो आपके लिए जो पैसे हैं ना, जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो आप वो पैसे यूज़ कर लो। तो वो मैंने आपकी जो पॉकेट नहीं है शलवार कमीज की जो पॉकेट है, उसकी पॉकेट में मैंने सी दी हैं सुई से ना, जैसे भुप्पो सीती हैं ना कपड़े, सीती हैं ऐसे पॉकेट, हाँ पैसे, ताकि छोटा बच्चा है ना तो गिर ना जाए, वो छोटे से होते हैं ना, जितने आप होगी आपसे थोड़े से बड़े होंगे। तो मेरे बेटे आपने पैसे गिराने नहीं हैं, तो मैंने पैसे आपकी पॉकेट में सी दिए हैं, जब आपको ज़रूरत होगी, आपने कुछ खाना पीना होगा या आपको कोई मुसीबत पेश आ जाए, तो आपने वो पैसे यूज़ कर लेने हैं, ठीक है? और किसी को ये ना बताइएगा कि आपके पास पैसे भी हैं, मतलब चाहे किसी को बताते फिरेंगे मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे हैं, मतलब अपने बेटे को वो समझा के भेजती हैं, कहती हैं चलो ठीक है। अच्छा, वो जिस गाड़ी में जा रहे होते हैं ना, तो जिस काफले में जा रहे होते हैं, उस काफले को ना डाकू जो होते हैं ना, वो जो है ना उसको लूट लेते हैं। तो सबसे बारी बारी, हाँ सबसे बारी बारी चीज़ें निकलवाते हैं, भाई ये भी दे दो, दे ये भी। तब दिनार होते थे उस वक्त में ना, पुराने दिनार कब? हाँ दिनार, जिस तरह हम पैसे बोलते हैं ना, हाँ तब दिनार होते थे, पुराने वक्तों की ये बात है। तो ना वो जो डाकू होते हैं ना, जब वो छोटे बच्चे की बारी, मतलब अब्दुल कादर जिलानी साहब की बारी आती है, तो वो कहते हैं, डाकू कहते हैं, इस बच्चे निकाल दो जो भी है आपके पास। तो वो कहते हैं, डाकू अंकल आप मुझे ना कुछ भी नहीं कहिएगा, मेरी मामा ने मुझे पैसे मेरी पॉकेट में सी हैं, मैं वो आपको भी दे देता हूँ। डाकू कहते हैं, ओहे ये बच्चा देखो किस तरह की बातें कर रहा है। कह रहे हैं, डाकू अंकल मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आप जो चाहते हैं ना मैं आपको दे दूंगा। तो वो कहते हैं, अच्छा अच्छा दिखाओ। तो सारा चेक करते हैं उसके पास, तो कहीं पैसे उनको नज़र नहीं आते, हाथ लगाते हैं। वो कहते हैं, है मेरे मामा ने ना मुझे बताया था। वो अपनी पॉकेट को जो धागा मतलब सिया होता है वो खोलते हैं, अंदर से जो पैसे रखे होते हैं, कहते हैं ये लें डाकू अंकल आप पैसे ले लें, आपको जितने चाहिए, मैं क्यों आपसे झूठ बोलूँ, मेरी मामा ने मुझे पैसे दिए थे ताकि मेरी मुसीबत के वक्त काम आ जाए। वो जो डाकू अंकल होते हैं वो उससे इतना इम्प्रेस होते हैं, वो कहते हैं वाओ तो बेबी इतना प्यारा है, इसने तो झूठ भी नहीं बोला, इस अगर ये चाहता तो ये हमसे झूठ बोल सकता था, ये बच्चा था चुप कर जाता ये इस तरह, लेकिन इसने तो जो बोला जो इसके पास था वो तो इसने हमें दे दिया। वो कहते हैं, डाकू अंकल मेरी मामा ने मुझे छोटे होते से सिखाया कि कभी भी आपने झूठ नहीं बोलना, तो मेरे पास पैसे थे तो मैंने आपको दे दिए। वो डाकू अंकल उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं, वो जो पैसे होते हैं ना वो उसको वापस कर देते हैं, कहते हैं बेटा ये आपका इनाम है क्योंकि आपने सच बोला है। और फिर वो जो डाकू अंकल होते हैं वो अच्छे आदमी बन जाते हैं, उस बच्चे से इतना मुतासर होते हैं कि ये एक बच्चा है, इसने हमें ज़िंदगी का इतना बड़ा लेसन दिया है, अभी ये छोटा सा है तो हमें ये बुरा काम छोड़ देना चाहिए। और वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए थे, तो फिर वो अच्छे कामों की तरफ लग गए थे। तो इससे हमें
अभी इससे हमें जाना क्या लेसन लेना चाहिए? इससे हमें ये लेसन लेना चाहिए कि हमें बिल्कुल सच बोलना चाहिए, हमें बिल्कुल सच बोलना चाहिए, चाहे कोई भी मसला हो जाए ना, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सच बोलें, क्योंकि झूठ बोलेंगे ना तो हमें और बातें जो है ना और से और बातें करनी पड़ेंगी झूठ के लिए, तो हम बेहतर यही नहीं है कि हम सच बोल दें? अच्छा मम्मा, तो फिर इनकी ये स्टोरी जो है ना, इनकी ये जो स्टोरी है ना वो फिर हम लोग जब छोटे छोटे थे ना हमारी बुक्स में लिखी थी, तो ये मुझे याद आई तो मैंने कहा मैं अपनी बेटी को सुनाऊंगी कि ये स्टोरी थी अब्दुल कादर जिलानी साहब की। मामा हाँ जी, अच्छा और स्टोरी सुनाओ। हाँ जी। अच्छा जी, और स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। मामा प्रिंसेस वाली सुनाए। प्रिंसेस वाली सुनाए। हाँ जी। अच्छा, एक ना प्रिंसेस होती है और उसका प्यारा सा नाम, वो अच्छा सा, एक ना प्रिंसेस होती है उसका नाम होता है गाजिया। क्या नाम होता है? गाजिया। गाजिया बड़ी प्यारी होती है उसके। हाँ। उसका ना चेहरा भी बड़ा प्यारा होता है। किस तरह? और उसकी आते भी बड़ी प्यारी होती हैं, जैसे मेरी बेटी है ना प्यारी सी, वो ना मेरी बेटी तो कभी कभी बात नहीं ना मानती, लेकिन वो अपने मामा बाबा की हर वक्त बात मानती है। अपने मामा बाबा की जो भी गुड हैबिट्स होती हैं उनको फॉलो करती है, और जो वो कहते हैं वैसे ही करती है, वो एक अच्छी प्रिंसेस होती है। लेकिन एक मसला होता है जाइना, क्या उसको ना बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने की ना आदत होती है, वो जहाँ दिल करता ना उसके वो फ्रेंड्स बनाती है, और ये नहीं देखती कि फ्रेंड्स अच्छी भी हैं या बुरी भी हैं। आपको पता है कुछ फ्रेंड्स होती हैं जो कि बड़ी अच्छी होती हैं, और कुछ फ्रेंड्स होती हैं जो कि बड़ी गंदी बच्ची होती हैं। हमें ऐसे गंदे बच्चों के साथ तो नहीं ना फ्रेंडशिप करनी चाहिए, जैसे कोई झूठ बोलता हो, आपकी चीज़ें चोरी करता हो, या आपको आपके साथ हर वक्त मारपिटाई करता हो, आपको चीटिंग करवाओ, इस तरह की बात। इस तरह के फ्रेंड्स जो होते हैं ना वो मीन होते हैं हमें इस तरह। तो उस बेचारी को नहीं पता होता, क्योंकि वो अच्छी होती है तो उसको लगता है कि मेरे जितने भी मैं फ्रेंड्स बनाऊंगी ना तो सारे अच्छे होंगे। उसके मामा बाबा उसको ना समझाते हैं कि बेटा जिस तरह आप दूसरी बातें फॉलो करती हो ना, इसी तरह से आप हमारी ये बात भी अपने माइंड में रख लो कि हर बंदा जो है ना वो अच्छा नहीं होता, कुछ बंदे जो होते हैं ना वो गंदे भी होते हैं, अच्छे बंदे नहीं होते, तो आपको अच्छी लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए। कहती है मामा मुझे बस यही पसंद है कि मेरी फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, तो ना। लेकिन उसके मामा बाबा थक जाते हैं उसको समझा समझा के। तो उसकी ना फ्रेंडशिप में ना एक लड़की आती है जो कि बड़ी ज़्यादा ना मीन होती है, गंदी गंदी होती है, वो ना गंदी मंदी भी रहती है और चीटिंग भी बड़ी करती है, उसको चोरी करने की भी आदत होती है, बड़े बुरे काम होते हैं। लेकिन प्रिंसेस को नहीं पता चलने देती, वो इस वजह से नहीं पता चलने देती क्योंकि प्रिंसेस जो होती है ना वो बहुत अच्छी होती है और बहुत ज़्यादा रिच होती है, उसके पास बहुत ज़्यादा टॉयज होते हैं, बहुत ज़्यादा उसके पास अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, चॉकलेट्स होती हैं, तो वो शेयर भी करती है ना सबके साथ। तो वो जो दोस्त होती है ना उसको ये मतलब होता है कि मैं इससे चीज़ें भी खाऊंगी, इससे इससे मैं टेस्ट में चीटिंग भी कर लूंगी, और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें मैं इससे आगे गुजर जाऊंगी, तो ये पीछे रह जाएगी और इसको सारे कहेंगे लूज़र। लेकिन लूज़र तो वो खुद होती है, ठीक है, लेकिन वो जो गाजिया होती है ना प्रिंसेस, उसको समझती है। फिर क्या होता है जी कि टेस्ट हो रहे होते हैं क्लास में ना, तो गाजिया कहती है कि मेरी यार टेस्ट की ना इस दफ़ा बड़ी अच्छी तैयारी है, क्योंकि जो कोरोना वायरस की छुट्टियां आई थी ना तो उसमें मामा ने ना मुझे ना सिर्फ खुद पढ़ाया था बल्कि बाबा ने भी मेरी हेल्प की थी, और मेरी जो कोचिंग टीचर है ना उन्होंने भी की थी। तो वो कहती है मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, मैंने तो इतने ज़्यादा कार्टून देखे हैं, मैं तो हर वक्त मेकअप का सामान मामा ने ला के दिया था, मैं उनके साथ खेलती रहती थी, तो और इसके अलावा यूट्यूब पे वीडियोस देखती रहती थी।
वो कहती थी ये अच्छा काम तो नहीं है, मैं भी देखती हूँ लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि हर वक्त किसी भी चीज़ का हमें एक्सेसिव यूज़ तो नहीं ना करना चाहिए जाइना, हमें लिमिटेड रहना चाहिए ना, हर चीज़ को उसकी टाइमलाइन के मुताबिक यूज़ करना चाहिए ना। तो वो कहती है ये तुम ही फॉलो करो, तुम ही इस तरह की हो, मैं तो नहीं, मैं तो अपनी मर्ज़ी करती हूँ, अपनी लाइफ जीती हूँ, इतना मज़ा आता है, हर वक्त मामा बाबा की सुनती रहो, हर वक्त अच्छे बनते रहो, मेरे से तो नहीं अच्छा बना जाता। वो कहती है मेरी बात सुनो मेरी प्यारी फ्रेंड, आप बहुत गलत सोच रही हो, ऐसा नहीं है। समटाइम ये होता है कि जो है ना इंसान को ना अच्छा बनना जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अच्छा बंदा जो होता है ना उसकी अच्छी आदतों की वजह से बहुत से काम उसके लिए इजी हो जाते हैं। जैसे मैंने देखो अभी स्टडी की है, मैंने दूसरी चीज़ें भी की हैं लेकिन मैंने स्टडी भी की है, तो मेरी टीचर भी मेरे से बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, मामा बाबा भी बहुत हैप्पी हैं और मेरी कोचिंग टीचर्स भी बहुत ज़्यादा, और अब जब एग्ज़ाम्स होंगे टेस्ट हो रही हैं इसमें मुझे ज़्यादा किसी की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, मैं तो इसमें ऑलरेडी मेरी बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है। तो वो कहती है अच्छा अच्छा हर वक्त मेरे पे लेक्चर ना झाड़ा करो और टेस्ट की तैयारी करो, मैं ना कलर कर लूँ ड्राइंग कर लूँ। वो कहती है टेस्ट हो रहे हैं तो ड्राइंग बाद में कर लेना, पहले पढ़ लो। नहीं नहीं मैंने नहीं पढ़ना। अच्छा क्या होता है कि जब भी टेस्ट होता है ना वो उसके पीछे बैठ जाती है ताकि चीटिंग करके ना मैं इसे देख लूँ। लेकिन उस दिन क्या होता है कि उसकी टीचर को ना पता चल जाता है कि ये बच्ची जो है ना प्रिंसेस गाजिया से ना चीटिंग करके तो लिखती है, क्योंकि वो बिल्कुल उसके पीछे, और उनको ये भी पता होता है कि उसकी फ्रेंड भी है। टीचर उसको उठा के ना टीचर गाजिया से बहुत दूर बिठा देती हैं। क्या होता है कि ना जो टेस्ट में जो कुछ भी आता है ना वो तो उसको आता ही नहीं आता, उसको प्रिंसेस गासिया का तो सारा कुछ आता था क्योंकि उसने तो प्रिपरेशन की होती है टेस्ट की, तो वो लिख के फटाफट फारग हो जाती है। लेकिन चूंकि उसको कुछ आता ही नहीं होता, एक लफ्ज़ भी नहीं आता, तो वो ना वैसे ही बैठी रहती है और खाली पेपर दे के ना जिसके आगे बच्ची बैठी होती है वो उसको दिखाती नहीं है, और वो पेपर दे के जनाब बाहर आती है और ना उससे ना नाराज़ हो जाती है। वो कहती है नाराज़ क्यों आप मेरे से? कहती है मैं इस वजह से नाराज़ हूँ कि टीचर ने जब मुझे आगे बिठाया था बहुत दूर, तो आपने टीचर को ये क्यों नहीं कहा कि टीचर ये मेरी दोस्त है इसको मेरे साथ बैठने में? वो कहती है आप ना पागल हो, मेरी बात सुनो, टीचर्स अपनी मर्ज़ी करती हैं हमारे मुताबिक नहीं चलती, तो मैं क्यों टीचर को ये बात कहूँ कि टीचर इधर डैंड्रफ है ना, मैं क्यों टीचर को कहूँ कि इसको मेरे साथ बिठाओ, और आपने लेसन प्रिपेयर नहीं किया? कहती है हाँ थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया था, बाकी मुझे ये था कि मैं आपसे कर लूँगी। वो कहती है हर वक्त दूसरों पे डिपेंड नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी तैयारी करनी चाहिए, और आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप मेरे से चीटिंग करके पास होती हो? तो वो कहती है बस सही है, मेरे से ज़्यादा लेक्चर ना झड़ो, मैं नहीं आपसे बात कर रही। कहती है अच्छा बाबा मैं क्या करूँ उसकी, लेकिन वो उसकी फ्रेंड होती है उसको बड़ा ज़्यादा वो होता है, तो उसकी टीचर उसको क्लास में वो बुलाती है स्टाफ रूम में, उसकी टीचर कहती है कि आपकी दोस्त आपकी वजह से पास होती रही है और आप उसको चीटिंग करवा रही हैं, आपको पता है कि ये कितना बुरा काम है और ये फ्रेंडशिप के भी ख़िलाफ़ है। कहती है हैं टीचर मुझे तो पता ही नहीं था। कहती है आज देखो उसने पेपर में क्या लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, एक लफ्ज़ में। वो कह रही है वो तो कह रही थी कि मुझे कुछ ना कुछ किया था, वो कह रही है कुछ भी नहीं लिखा, वो सारा आपसे चीटिंग करके ना, तो आपको ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए। कहती है अच्छा चलो सही है। वो उसकी दोस्त उससे ना उसको बुलाती ही नहीं है, उसे मूड बनाई रखती है। वो कहती है एक तो मैं इससे फ्रेंडशिप ख़त्म, जेन में सोचती है इससे फ्रेंडशिप ख़त्म कर दूं, दूसरे नंबर पर मैंने मेरे मामा बाबा से यही कहते हैं हमें अच्छे लोगों को ना फ्रेंड्स बनाना चाहिए, बुरे लोगों को कभी फ्रेंड्स नहीं बनाना चाहिए। क्लास में जब रिज़ल्ट आता है वो बच्ची फेल हो जाती है और जो प्रिंसेस गाजी आती है वो फर्स्ट आती है, तो उस बच्ची को स्कूल से निकाल देते हैं, क्योंकि जो बच्चे ज़्यादा फेल हुए ना सारे सब्जेक्ट में तो उसको निकाल देते हैं। तो उसको ना वो अपने जो उसने किया होता है टीचर प्रिंसेस गाजिया के साथ उसको अफसोस होता है, वो जाके उससे सॉरी करती है और अपनी टीचर से भी सॉरी करती है, मैं आइंदा से इस तरह से नहीं करूँगी, मैं लेसन प्रिपेयर करके आऊँगी और झूठ भी नहीं बोलूँगी और चीटिंग भी नहीं करूँगी। तो फिर वो अच्छी बेबी बन जाती है और वो जो गाजिया होती है उससे वो ये लर्न करती है कि अच्छा बेबी किस तरह से बनते हैं। फिनिश। अब आपने क्या लर्न किया? किया कि हमें अच्छे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए।
जो चीटिंग करने वाले हो ना, या जो कहें कि मैं आपकी फ्रेंड हूँ मुझे चीटिंग करवा दे, तो आपने उसके उसको चीटिंग नहीं करवानी, कहना है कि ये फ्रेंडशिप नहीं होती किसी की इस तरह से रॉन्ग वे में हेल्प करना, ठीक है। एंड ऑफ द स्टोरी, एंड ऑफ द स्टोरी। कितने मिनट की हुई है?